आपको सबको नमस्कार। एक बहुत ज़रूरी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। जितने भी लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में चिंता करते हैं, उनके सामने आज मैं दो चार बातें रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को। हमारे अभी तक 10 MLAs को गिरफ्तार किया जा चुका है, 1 MLA के यहाँ इनकम टैक्स की रेड करा दी, हमारे 21 MLAs को झूठा सच्चा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह के 21 MLA को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, हमारे एक MP भगवंत मान को सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने। तो पूरी तरह से एक तरह से दमन का चक्र है। CBI की रेड करा दी, एंटी करप्शन ब्रांच रोज झूठे सच्चे केस, सतेंद्र जैन की इंक्वायरी करा रही है, मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी करा रही है एंटी करप्शन ब्रांच इनकी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं, मैं रोज कहता हूं मोदी जी करा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरविंद आप तो रोज ही खड़े होकर मोदी जी का नाम ले देते हो, इसमें मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, CBI, ये इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ पीछे पड़े हैं, इनके ऊपर कोई तो मास्टरमाइंड होगा जो करा रहा होगा। वो मास्टरमाइंड कौन है? अमित शाह है, मोदी जी हैं, PMO हैं, ये सब एक साथ हैं। मोदी जी के कहने पे अमित शाह जी करा रहे हैं, पर हो वहीं से रहा है। तो मैं ये सोच रहा था वो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई रीजन समझ नहीं आ रहा। इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है, जनता कह रही है जी ये तो ठीक नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही है, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो जनता में नेगेटिव परसेप्शन जा रहा है। फिर मोदी जी क्यों करा रहे हैं? तो जो लोग अंदर के लोग बताते हैं कि मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेकर, बहुत ज्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो लॉजिकली नहीं सोच रहे इस बारे में, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। रोज एक MLA को पकड़ के, और जितना के खिलाफ अभी तक MLAs को पकड़ के डाला है, दो दिन में सारे छूट के बाहर आ जाते हैं। एक मामले के अंदर जरा सा भी कुछ साबित नहीं कर पाए, सारे छूट के पकड़ते हैं, 3 दिन जेल में डालते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। जिन केसेस में ऑर्डर आए हैं उनमें कोर्ट ने जो लताड़ा है पुलिस को, जो लताड़ा है एजेंसीज को कि भाई तुम राजनीति कर रहे हो, एक भी केस में एक भी दोष साबित नहीं हुआ। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो लोग बता रहे हैं बुरी तरह से बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी हम लोगों को लेकर, और वो दिमाग से काम नहीं कर रहे। क्यों बौखलाए हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में काम बहुत अच्छा चल रहा है, केंद्र सरकार काम नहीं कर पा रही बिल्कुल, तो कंपैरिजन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की हार को नहीं पचा पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गोवा में, गुजरात में, पंजाब में जो हमें समर्थन मिल रहा है उसको लेके बौखलाए हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों बौखलाए हैं, लेकिन ये तो साफ साफ जाहिर है कि वो बिना सोचे समझे गुस्से में और बौखलाहट में ये सारे निर्णय ले रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि अगर किसी देश का राजा बौखलाहट में, बिना सोचे समझे, गुस्से में निर्णय लेने लगेगा, तो उस देश के लिए तो बड़े खतरे की बात है। ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से बिना सोचे समझे गुस्से के अंदर निर्णय ले रहे हैं, तो पता नहीं और कितने मुद्दों के अंदर वो निर्णय ले रहे हैं। हमारे तो MLAs को पकड़ के जेल में डाल दो, अब तो आदत सी पड़ गई है, रोज पकड़ते हैं, 3 दिन में बेल हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, सबको डाल दो जेल में। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है
क्या देश सुरक्षित हाथों में है? इज द कंट्री इन सेफ हैंड्स? कि अगर गुस्से में बिना सोचे समझे इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। इसको जितना मैं सोच रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा। क्या यही कारण है कि नेपाल के साथ कितने सदियों की दोस्ती थी भारत की, उसका क्या हुआ? आज नेपाल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ एक दिन आप हैप्पी बर्थडे कहने चले गए, ISI को बुला लिया, और उसके बाद आप उनको दोष देते हैं। तो ये एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, कई सारे निर्णय ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि बौखलाहट में बिना सोचे समझे लिए जा रहे हैं। ये देश के लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। दूसरी चीज, वो राजनीतिक सत्ता लेना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, हर पॉलिटिशियन सत्ता लेना चाहता है। लेकिन सत्ता दो तरीके से ली जा सकती है। एक तरीका है अच्छे काम करो, जनता साथ देगी, जैसे हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बिजली सस्ती कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, किसानों के लिए कितना किया, अच्छे काम करो, जनता साथ देगी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं। जितने उनके उन्होंने मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी थी, एक भी चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे। सारे देश के अंदर हर तबका नाराज है, व्यापारी नाराज है, लोगों का व्यापार खत्म होता जा रहा है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, दलित नाराज हैं, माइनॉरिटीज़ नाराज हैं, किसान नाराज हैं, ज्वेलर्स नाराज हैं, हर तबका यूथ नाराज है, हर तबका नाराज होता जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों के धंधे बंद होते जा रहे हैं, तो हर फ्रंट पे फेल होते जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है सत्ता लेने का? कि आप अपने विरोधियों को कुचल दो, जब विरोधी नहीं बचेंगे तो सत्ता आपके पास रहेगी। अब वो करने लग गए हैं, वो उन्होंने एक 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 करके सारी पार्टी वालों को कुचल दिया। कभी देखते हो कांग्रेस की हिम्मत है आवाज़ उठाने की? किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत है आवाज़ उठाने की? हर एक को कुचल दिया। जितने आंदोलन हो रहे हैं, दलितों की तस्वीरें आपने देखी हुई, दलितों ने आवाज़ उठाई, दलितों को कुचल दिया, रोहित वेमुला को कुचल दिया, किसानों को कुचल दिया, यूथ को कुचल दिया, स्टूडेंट्स को कुचल दिया। जितने हमारे ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हमें कुचलने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी को, गिरफ्तारियां कर दी, CBI छोड़ दी, ACB छोड़ दी, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ दिया, हमारे हौसले को ये नहीं कुचल पा रहे। इनके सारे दमन के बावजूद हमने इनके सामने झुकने से मना कर दिया। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। इसी वजह से ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, हताश हैं। मैं आज सारे वॉलंटियर्स को, सारे MLAs को, सारे मंत्रियों को, सबको कहना चाहता हूँ, ये बड़ा क्रिटिकल समय है। आप लोग सब लोग सोच लो, परिवार में भी बात कर लो, आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। अपने अपने परिवार में बात कर लो, अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है, सारे MLAs को जेल जाना पड़ेगा और कई बार जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ आपका कुछ भी हो सकता है, अगर तैयार हो तो साथ रहो, अगर तैयारी नहीं है, कमजोरी है मन में, तो छोड़ दो अभी थोड़े दिन के लिए।